और औरंगजेब को मराठों ने मेरी गोराउंड का खेल खिला दिया। ये पश्चिम भागता था, वो पश्चिम से, वो उत्तर से मारते थे, ये उत्तर भागता था, वो दक्षिण से मारते थे। जिंजी का घेरा डाला, सब लिखा हुआ है, जिंजी का घेरा डाला, 18 महीना घेरा चलता रहा, राजा राम निकल गए। 13 साल इसने किसी से कोई बात नहीं की, एक किले से दूसरा किला, दूसरे किले से तीसरा किला, तीसरे किले से चौथा किला, ये भागता रहा। कुछ बातें औरंगजेब की ऐसी है ना जो ये साबित करती है कि एक एवरेज जो मन होता है वो भी नहीं था उस आदमी के लिए। नाचते 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 टूट गया औरंगजेब। जय हिंद फ्रेंड्स। अकबर ने औरंगजेब के बेटे ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और मैंने कहा कि राठौरों के खिलाफ औरंगजेब ने, राठौरों को औरंगजेब ने अकबर के खिलाफ भड़का दिया। कोई अकबर को शरण देने को तैयार नहीं, तो फिर औरंगजेब अकबर को भागना पड़ा डेक्कन। डेक्कन पहुंचा, शंभाजी ने उसे शरण दे दी और शिवाजी के बेटे ने, फिर तो औरंगजेब को बर्दाश्त नहीं। नाराज तो पहले से ही था कि शिवाजी एक जमींदार के बेटे ने उसके सामने एक राज्य स्टेट खड़ा कर दिया, तो नाराज तो वो पहले से ही था। लेकिन अब उसने देखा कि यार मेरे विद्रोही बेटे को तुम शरण दोगे, कितनी हिम्मत तुम्हारी। और फिर 1681 में बैग और बैगेज लेकर वो कूच करता है डेक्कन की तरफ। अब जब वो डेक्कन की तरफ कूच करता है तो उसके दिमाग में पहली बात आता है कि ये इराक और सीरिया को खत्म कर दो। इराक कौन? बीजापुर। सीरिया कौन? गोलकुंडा। हालांकि ये राय जयसिंह ने उसे बहुत पहले दी थी, फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स डेक्कन, खत्म करो यार ये छोटे मोटे राज्यों, क्यों पाल रखे हो, खत्म करो, मराठों से समझौता कर लो और वापस बैक टू पवेलियन। लेकिन तब औरंगजेब ने ये बात नहीं मानी। औरंगजेब के दो कमांडर बड़े एक्टिव रहे डेक्कन में, एक तो दिलेर खान और दूसरा जयसिंह। लेकिन औरंगजेब ने कभी फुल फ्लेजेड जिम्मेदारियां नहीं दी, वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर आपने अपने किसी नोबल को अपनी पूरी सेना का चार्ज दे दिया तो हो सकता है वो आपको मारकर खुद ही राजा बन जाए, क्योंकि राजा सेना तो उसका कमांड मानेगी जिसके हाथ में उसका चार्ज होगा। 1681 में औरंगजेब पहुंच गया डेक्कन। अब उसने नजर दौड़ाई बीजापुर और गोलकुंडा की तरफ। आदिल शाह को उसने मैसेज भेजा कि बेटा तुमको तो बहुत मारेंगे। डेक्कन जाना उसकी मजबूरी इसलिए भी हो गया था कि गोलकुंडा जो है सुन्नी स्टेट, शिया स्टेट, वहां में दो भाई बड़े एक्टिव थे, मदना और अखन्ना, और इन तीनों ने मिलकर एक ट्रिपल अलायंस बना लिया था डेक्कन, बीजापुर, गोलकुंडा, मराठा। इसके बड़े मैसेज के बाद भी इन लोगों ने कोई बात सुनी नहीं, तो फिर औरंगजेब को खुद जाना पड़ा। और जब शहनशाह खुद ही पहुंच गया डेक्कन तो पूरी मुगल आर्मी उसके पीछे, और 1686 में उसने बीजापुर को उड़ा दिया, खत्म कर दिया, इराक खत्म। कुतुब शाह को उसने मैसेज भेजा कि बेटा ये जो तुमने काफिरों को रखा है ना, इन काफिरों की सुनते हो, इनको हटा दो, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा ही है। मदना खन्ना सड़क पर घसीट कर मारे गए। लेकिन औरंगजेब किसी को माफ करने के मूड में नहीं था, और 1687 में उसने गोलकुंडा को भी खत्म कर दिया। हालांकि कुतुब शाह ने बड़ी बातें मानी औरंगजेब की, लेकिन वो बिल्कुल मूड में नहीं था, उसने खत्म करो ये दर्द हमेशा के लिए खत्म करो। और इस तरह से दक्कन पर अब मुगल सुप्रीमेसी, मुगल वर्चस्व। 1687 में बीजापुर गोलकुंडा दोनों खत्म हो गए, अब बचे मराठा, और मराठा में शंभाजी। 1689 में औरंगजेब ने शंभाजी को पकड़ लिया, संग्रामेश्वर एक जगह है एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ, वहां पर और संभाजी को पकड़ लिया, संभाजी को लाया गया। इसने क्या किया, औरंगजेब ने शायद किसी व्यक्तिगत कारणों से, धार्मिक कारणों से, ऐसी कहानियां हैं कि संभाजी ने औरंगजेब को प्रपोज किया कि देखो तुम लोग मलेच्छ हो, मलेच्छ गंदे लोग हो, कन्वर्ट हो जाओ, धर्म बदल लो। ये बात अगर उसने अकबर से कही होती
तो एक बार अकबर माफ भी कर देता, समझा हुआ आदमी था, सुलझा हुआ आदमी था। लेकिन अगर आप ये बात औरंगजेब से कह रहे हो, औरंगजेब ने शंभाजी की हत्या करवा दी, चलो मार दिया आप, फिर आपने बड़प्पन का परिचय नहीं दिया, आप पोरस की तरह, सिकंदर ने जैसे पोरस को छोड़ा था, आप छोड़ देते, समझौता कर लेते, समझाते कि बेटा देखो तुम्हारे अब्बा हमारे ठीक है दुश्मनी थी, भाई रामाधीर सिंह ने गैंग्स ऑफ वासेपुर में फैजल को समझाने की कोशिश की कि नहीं, आपने देखा ना गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट टू, रामाधीर सिंह बुलाते हैं फैजल को कि देखो फैजल हमारा तुम्हारा कोई दुश्मनी है नहीं, तो कहता है कि आपने हमारे अब्बा को काहे मारा, तो बोला अगर हम नहीं मारते तो वो हमको मार देते, और कौन मरना चाहता है, क्या क्या सूझ समझदारी का बात करता है रामाधीर सिंह, कहता जब तक इस दुनिया में सिनेमा है मूवी तब तक लोग बनते रहेंगे, कहता वासेपुर तुम्हारा कमाओ। वही बात औरंगजेब को भी करनी चाहिए थी, शंभाजी को बुला था कि देखो बेटा तुम्हारे अब्बा से दुश्मनी चल रही थी लेकिन चलो कोई बात नहीं, मराठावाड़ तुम्हारा और दिल्ली हमारा, हो जाता सारा समझौता। क्या जरूरत थी मारने की, मार दिया। मारा तो मारा, अब उसने आपने गर्दन काट दी, राजा को तो मार दिया आपने, अब बचे उसके प्यादे मराठा सरदार, अब किससे किससे लड़ोगे, चेस के गेम में और मोनार्की के गेम में कौन सबसे इंपॉर्टेंट, राजा, आपने दूसरी चाल में राजा को चेक एंड मेट कर दिया, खेल खत्म, आप कह रहे नहीं अभी प्यादों को भी मैं मारूंगा। कुछ बातें औरंगजेब की ऐसी है ना जो ये साबित करती हैं कि एक एवरेज जो मन होता है वो भी नहीं था उस आदमी के अंदर, या तो वो आदमी बहुत परेशान था या तो वो आदमी बहुत दुखी था, एवरेज एक एवरेज जो समझदारी होती है, एक राजा इतने बड़े साम्राज्य के आप मालिक हैं, इतना बड़ा साम्राज्य है आपका, राजा मर चुका है अब किससे लड़ोगे, तुमने चेक एंड मेट दे दिया, कह रहे हम तो खेलेंगे, मैं सारे मराठों के किलों को कब्जा करूंगा, फिर वो शंभाजी का भाई था राजा राम, उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, इसने सीज किया सतारा को, राजा राम को भागना पड़ा, राजा राम ने जिंजी में शरण ले ली, लिखा है बुक में 13 साल इस आदमी ने मराठों से कोई बातचीत, बोला बात ही नहीं करना है, क्यों, मराठों को मजा आने लगा, ये पूरब की तरफ भागता था किले पे कब्जे करने के लिए, वो पश्चिम से पत्थर मारते थे, टेरेन तो टफ थी, ये पश्चिम भागता था वो पश्चिम से, वो उत्तर से मारते थे, ये उत्तर भागता था वो दक्षिण से मारते थे, और औरंगजेब को मराठों ने मैरी गो राउंड का खेल खिला दिया, जिंजी का घेरा डाला, सब लिखा हुआ है, जिंजी का घेरा डाला, 18 महीना घेरा चलता रहा, राजा राम निकल गए, टूट गया औरंगजेब, नाचते टूट गया औरंगजेब, समझाने वाला कोई था नहीं, सबको पता था यार को पता नहीं कौन सी बात इस आदमी को बुरा लग जाए, और जो समझाने वाले थे उनको कुछ समझ में आता ही नहीं था, पुरोहितों का काम है बच्चों को धर्म के बारे में बताना, बस पुरोहित भी जरूरी है, बच्चा मंदिर जाएगा देखेगा चीजों को क्वेश्चन करेगा, पुरोहित बताएगा तो अभी भगवान ही है, बच्चा मस्जिद जाएगा जाना ही चाहिए, वहां सवाल करेगा सजदा क्यों करना चाहिए, अल्लाह कौन है पूछना चाहिए उसे, और जागृत पुरुषों का काम है, इसीलिए तो भारत बार बार कहता हूं, भारत मतलब ज्ञान,
कुछ नहीं होगा भारत का, इंडिया को थोड़ा बहुत सामना करना पड़ेगा कष्टों का, भारत का कुछ भी नहीं होगा। कोरोना आया है, भारत को कुछ भी नहीं होगा। भारत मतलब ज्ञान, जो भी इस देश में ज्ञान से जुड़ा हुआ है, ज्ञान के रास्ते पर चल रहा है। इसीलिए वो देखो, सिंध और पंजाब अलग होकर पाकिस्तान बन गए, खत्म हो गए। इनको तो बर्बाद होना ही था क्योंकि ये भारत से कट गए, इंडिया से कटकर ये कट गए, इंडिया से कटकर जी लेते। भारत, कश्मीर, पंजाब, सिंध, ये सब भारत है। बांग्लादेश, यहां की संस्कृति भारतीय है। भारत मतलब ज्ञान, संतों की संस्कृति, सूफियों की संस्कृति। और संतों का, सूफियों का एक ही काम है, परिवर्तन, व्यक्ति के जीवन में क्रांति। पुरोहित नहीं कर पाएगा, मौलाना नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं, इनको पता ही नहीं, इनको पता ही नहीं। ना तो पुरोहित कर पाएंगे ना मौलाना। और जो बुढ़ापे में भी मौलाना के साथ है ना औरंगजेब, ताकि बाद में इसने बहुत उल्टा सीधा लिखा उनके बारे में, 13 साल इसने किसी से कोई बात नहीं की, एक किले से दूसरा किला, दूसरे किले से तीसरा किला, तीसरे किले से चौथा किला, ये भागता रहा। 1703 में टायर्ड हो गया, थक गया, टूट गया, बर्बाद हो गया, सब बिक गया सर। दीवाने आम का सारा सोना चांदी बिक गया, दीवाने खास का बिक गया, घर का बिक गया, सोने चांदी के बर्तन बिक गए डेकन वॉर में। राजा था ही नहीं, कंपेंसेशन किससे लोगे? घर घर में घुस के लूटोगे तो है नहीं, तो फिर लुटेरे हो जाओगे। फिर इसके जो मनसबदार थे वो भी बड़े दुखी हो गए कि यार अपना तो खैर मर ही रहा, हमें भी परेशान कर रहा। उन्होंने धीरे धीरे मराठों से अंदर अंदर समझौता कर लिया कि यार वहां बैठा है, दौड़ा लो। सत्रह सो तीन में कहीं से अकल आई इसको, थोड़ी सी आई कहीं से, तो मैंने वो अभी आपको सुनाया। इसने मन बनाया कि नहीं, मैं शाहू को छोड़ दूंगा, उसकी माँ को छोड़ दूंगा, मैं शाहू को मराठा स्वराज भी दे दूंगा। मैंने कहा ना, 70 मराठा सरदार आ गए, 70 मराठा सरदार पहुंच गए कि लाओ चलो समझौता हो जाए। अंतिम समय पर इसने मामले को रद्द कर दिया, कहा मुझे मराठों पर भरोसा नहीं। औरंगजेब 1705 में औरंगाबाद में स्थायी रूप से वहीं रुक गया। बहुत टूटा औरंगजेब, बहुत उदास औरंगजेब, रोता हुआ दुखी औरंगजेब। तब उसने गुरु को लेटर लिखा, गुरु गोविंद सिंह, उनसे कहा आप आइए, मुझे आपसे मिलना है। ये बड़ा अच्छा कदम उठाया उसने, उसे भारत की याद आई, तब ज्ञान की याद आई कि यार कहीं ना कहीं कोई ना गड़बड़ चल रही है यार, मैं क्यों परेशान हूं। शुरुआत से गद्दी पर बैठा भाई से लड़ता रहा, जाटों से लड़ता रहा, मराठों से लड़ता रहा, सत्ता, आखिर ऐसा क्या है कि लोग मुझसे इतना नाराज हैं? मेरे बाप दादों ने भी तो इस देश पे शासन किया, उनके खिलाफ इतनी बगावत क्यों नहीं थी? शायद कहीं से अकल आई, किसी ने दिया होगा। और फिर इसने गुरु गुरु अर्जुन गुरु गोविंद सिंह को कहा कि आप आइए, मुझे आपसे मिलना। लेकिन जब तक गुरु औरंगाबाद पहुंचते 1707 में, उस निराश औरंगजेब की डेथ हो गई। पर जाने से पहले, हालांकि वो अपने पूरे साम्राज्य को संभालने में बड़ा सक्षम था, जब तक वो जिंदा था, ये उसकी उपलब्धि है, जब तक वो जिंदा था तब तक उसका साम्राज्य बचा रहा। सबसे बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पे उसने शासन किया। इतने सारे विद्रोहों के बावजूद कहीं कुछ भी उसका बिगड़ा नहीं। लेकिन साम्राज्य की जड़ों को उखाड़ दिया उसने, और सिर्फ अपनी गलत नीतियों की वजह से। डेस्टिनी इज इक्वल टू डायरेक्शन। Destiny is equal to direction. दिशा अगर सही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। सत्रह सो सात
औरंगजेब की मृत्यु हो गई। लेकिन मरते मरते उस आदमी ने मुगल साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। उसके बाद उसका बेटा बहादुर शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सका। और उसने गलती कर दी, इतना ग्रांट दे दिया, इतना बांट दिया कि 13 करोड़ रुपए बचे थे तिजोरी में। 1707 में 13 करोड़ रुपए थे तिजोरी में, शाही तिजोरी में सब बांट दिया। जब बहादुर शाह मरा तिजोरी में पैसा नहीं, वही पैदा हो गए किंग मेकर। किंग मेकर कभी मजबूत आदमी को राजा बनाएंगे नहीं, लेटर मुगल्स आ गए। रही सही कसर उसने पूरी कर दी नादर शाह ने। आखिर हम क्यों जाते हैं अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में? आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि हमें अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है? जॉब, स्टडी और प्रेपरेशन है ना? ऐसे में यूपीएससी की प्रेपरेशन करने वालों को अब पुणे छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इकरा IAS आ गए हैं अब अपने सदाशिव पेठ पुणे में, जहां पर यूपीएससी के लिए है बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली, जहां ओझा सर की गाइडेंस में यूपीएससी की बेस्ट प्रिपरेशन होती है। तो और क्या चाहिए? NCERT बेसिक्स और GS बैच के लिए, वर्किंग एस्पायरेंट्स के लिए रेगुलर और वीकेंड न्यू ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है 15 जुलाई से। अगर आप इकरा IAS का फ्री डेमो लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 9823256625 पर, या विजिट कर सकते हैं www.iqraias.com पर। एक बार फुल एड्रेस बता देती हूँ, इकरा IAS अबाउट नोटबुक हब, ट्रक रोड, सदाशिव पेट, पुणे।